वेलकम 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 गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में, जिसमें हम बात करते हैं आज हमने ओवरऑल कैसी मार्केट देखी। तो आज फिर से मार्केट ने गजब की रैली दिखाई, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही मोर देन 200 पॉइंट्स की रैली निफ्टी में देखने को मिली, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। तो एक बहुत ही अच्छा कंटिन्यूस ट्रेंडिंग डे था। एंड जो लोग न्यूज के चक्कर में कोविड के केसेस बढ़ रहे इन चीजों के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे थे, जिन लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहां से फॉल होगा, मार्केट अब रिवर्स होगा, हमें फंसाया जा रहा है, मार्केट में रिवर्सल तो आना ही चाहिए, तो उन लोगों को शायद अब अकल आ गई होगी कि न्यूज को ट्रेड मत करो। हम आपको बार बार बता रहे हैं, कल एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ था 32400 बैंक निफ्टी में, और हमारा पोजिशनल टारगेट था 33700, एक 1300 पॉइंट्स का टारगेट आप समझ सकते हैं, और वो आज ही हमने सिंगल डे में अचीव कर लिया। तो बहुत परफेक्टली लेवल्स वर्क करते हैं, हम हमेशा आपको बताते हैं। हम बहुत सिंपली आपको यही समझाते आ रहे थे कि आप टेक्निकल्स को यूज करो, सुपर ट्रेंड बुलिश था, क्लियर कट उसने बाय सिग्नल दिया हुआ था, कंटिन्यूस रैली देखने को मिली, लेवल्स कल ब्रेक हुए थे तो वहां से अप मूव एक्सपेक्टेड था। जो हमारा निफ्टी में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था 14700, मॉर्निंग में ही ब्रेक हो चुका था, तो वहां भी हमने लेवल ब्रेक कर दिया था, और फिर क्या गजब की रैली देखने को मिली है यार। तो आपको मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है, जहां आपको आपके चार्ट्स और एनालिसिस बताएं मार्केट की डायरेक्शन है, बस उसे फॉलो करो ना। तो ये तो इंट्राडे मूव्स की बात होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आगे क्या हो सकता है, क्या मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल चेंज हो चुका है, क्या हो सकता है आगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, जानेंगे पूरा डिटेल एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो और रियल एनालिसिस चाहते हो मार्केट का, रेंडम हवाबाजी नहीं करते हम, लेवल्स की और टेक्निकल्स की बातें करते हैं, अगर वो चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत परफेक्ट डेली आपको एनालिसिस देते हैं यहाँ पे। तो चलिए आ जाते हैं हमारे एनालिसिस पार्ट पे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। ब्रेकआउट तो कल ही हमें मिल चुका था 32400 का, उसके अब हमें क्लोजिंग मिली थी मार्केट में। आज एक फिर से अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई, और जो नेक्स्ट इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल था 32860, मॉर्निंग में ऑलमोस्ट वहीं पे मार्केट की ओपनिंग हुई, और वहां से हमें कंटिन्यूस बाउंस देखने को मिला। लेकिन आज लेवल बड़े थे, 32860 के बाद नेक्स्ट लेवल सीधा था 33200, 340 पॉइंट्स का लेवल था। क्लियरली मार्केट में अप ट्रेंड आया और मार्केट ने अचीव किया उसे, और वहां भी उसे भी ब्रेकआउट मिला। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट 400 पॉइंट्स का था, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था 33600, वो भी मार्केट ने सिंगल डे में ही अचीव कर दिया। और जो हमारा पोजिशनल लेवल था, पोजिशनल टारगेट था 32400 ब्रेक होने के बाद 33700, ओवरऑल एक 1300 पॉइंट्स का टारगेट, वो भी आज अचीव हो गया। तो ये तो हमारे इंट्राडे मूव्स थे, इंट्राडे लेवल जहाँ कंटिन्यूस अप मूव देखा हमने, सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, जो हमारा पोजिशनल टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है, इंट्राडे तो लेवल अचीव हुए ही, और जो हमारा प्यारा सा इंडिकेटर है उसके अकॉर्डिंग भी क्लियर कट बुल रन था मार्केट में भी, उसने कहीं भी आपको सेल सिग्नल भी जनरेट करके नहीं दिया, एक क्लियर कट ट्रेंड था आज मार्केट में। तो अब मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास आई है, 33700 जो हमारा लेवल था, ऑलमोस्ट उसी के पास हमारी क्लोजिंग आई है। तो अब आगे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है और कैसी मार्केट देखने को मिल सकती है। देखिए अब जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो है इमीडिएट, इंट्राडे भी वो फॉलो होगा और पोजिशनली भी फॉलो होगा 34000, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद फर्दर 800 पॉइंट्स की रैली फिर से आ सकती है मार्केट में, एक अच्छा बुल रन फर्दर देखने को मिल सकता है 34800। ये दोनों हमारे पोजिशनल लेवल है, फर्स्ट 34000 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम 34800 तक जा सकते हैं, बैंक निफ्टी में एक फर्दर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए। लोअर साइड तो आपको पता लग ही गया होगा कि 32400 ब्रेक हो चुका है, अब वो मार्केट में मेजर सपोर्ट बन जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पोजिशनल लेवल्स है। इंट्राडे लेवल्स की बात कर लेते हैं, अभी इमीडिएट क्लोजिंग 33600 के अबव आई है, तो ये हमारा फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आता है 33200 एंड उसके बाद 32860, ये सारे हमारे कल के लिए इंट्राडे सपोर्ट लेवल्स है, 33600, 33200 एंड 32860, ये सारे हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं। रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलेगी, फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल तो मैंने आपको बताया जो इंट्राडे में भी है एंड पोजिशनली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 34000 ब्रेक हुआ तो हम 34800 तक फर्दर एक अच्छी रैली देख सकते हैं। तो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारा 34000 अभी एंड उसके बाद 34200, तो ये दोनों हमारे कल के लिए इंट्राडे लेवल है एंड 34000 बोथ इंट्राडे लेवल भी है एंड पोजिशनल लेवल भी है। तो बैंक निफ्टी में ये हमारे लेवल्स हो गए, बैंक निफ्टी में ओवरऑल हम देख लिया कंटिन्यूस अप ट्रेंड चल रहा है,
इम्पोर्टेंट लेवल के पास हम क्लोज हो गए हैं, टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। तो आप देखना है इस टारगेट पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। जैसे हम पहले 32,400 पे देख रहे थे, वहां कैसे रिएक्ट करती है, ब्रेक होने के बाद अच्छे बुल रन देखने को मिला। तो अब इस लेवल पे देखना है कि अब मार्केट यहाँ कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब चल लेते हैं निफ्टी में कि भाई वहां क्या हुआ और वहां कैसे लेवल्स ने वर्क किया। तो निफ्टी ने भी बहुत परफेक्टली लेवल्स पे वर्क किया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी हमारी क्लोजिंग 14,700 हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट और रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसके अबव हुई, जस्ट अबव हुई, और मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी के पास अपना डे लो बनाया और इसे होल्ड किया आज। तो ये बन जाता है सपोर्ट मार्केट में। और बाउंस कहां तक आता है देखिए, मॉर्निंग में कंटिन्यूस मार्केट नेक्स्ट लेवल जो था 14,760 वहां पे स्ट्रगल कर रहा है। आप देखिए कंटिन्यूस मॉर्निंग में मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट किया और हर बार यहां से पुल बैक देखने को मिला। मल्टीपल टाइम मॉर्निंग में यहां पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, फाइनली हमने इसे ब्रेक किया और फिर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली जिसमें फर्स्ट टारगेट था 14,800 एंड वो ब्रेक होने के बाद 14,850 एंड फिर डे एंड में इन दोनों लेवल्स के मिड में ही मार्केट ट्रेवल कर रही थी जिसमें 14,850 एज अ सपोर्ट का वर्क कर रहा था। देखिए जब भी डिप आता है तो 14,850 में मार्केट को सपोर्ट मिल रहा था, डे एंड में भी एक डिप आया जिसमें 14,850 पे फिर से मार्केट को सपोर्ट मिला। तो इंट्राडे बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में बहुत ही अच्छा ट्रेंड था, कंटिन्यूस अप मूव देखने को मिला। एंड आपको समझ आया होगा कि टेक्निकल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप प्री माइंडसेट से करेंगे कि नहीं मार्केट में फॉल आना ही चाहिए, इतनी रैली आ चुकी है, नेगेटिव है, सिनेरियो नेगेटिव चल रहा है, न्यूज नेगेटिव आ रही है, डेली केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो यार इन चीजों को आप इंट्राडे में ट्रेड्स नहीं कर सकते, हम आपको बार बार यही चीज समझाते आ रहे हैं। देखिए कितना परफेक्टली वर्क करती है, मार्केट खुद ही आंसर कर देती है यार। तो चलिए इंट्राडे की बात हो गई, पोजिशनली यहाँ क्या है, पोजिशनली 14,700 के बाद यहाँ 15,000 का टारगेट हमारा ओपन है जो हमने बताया था। 14,700 के बाद नेक्स्ट मेजर हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा 15,000 जिसमें ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स तो आज ही मार्केट ने रैली दिखा दी है। अभी भी 15,000 नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी के साथ कोरिलेट करके चलिए हम जैसा हमेशा आपको बताते हैं वहां अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास है तो आप यहां भी बुक कर सकते हैं या पोजीशन बनाने के लिए वेट कर सकते हैं। तो इंट्राडे लेवल्स की अगर बात करें, कल हमारी एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रेड करना है, स्पेशली आउट ऑफ द मनी में कल ट्रेड मत लेना, एक्सपायरी है। फिर लोग कहते हैं एक्सपायरी वाले दिन बहुत लोगों को बहुत बड़ा लॉस भी होता है, ये चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी में एंड विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन रखें क्योंकि ट्रेड गलत भी हो सकता है आपका, सही है तो प्रॉफिट को चलने दो, लेकिन गलत हो तो उसके लिए स्टॉप लॉस तो रखो ना ताकि दोबारा कोई ट्रेड बना सको। पोजीशन को सिर्फ इस होप में कि मार्केट रिकवर होगी, आपकी साइड आएगी, आपके डायरेक्शन में मूव करेगी, मत होल्ड करो यार, ऐसे में मैक्सिमम टाइम आपका लॉस इंक्रीज ही होता रहेगा। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें एंड आउट ऑफ द मनी पोजीशन में ट्रेड ना करें। तो चलिए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। अभी इमीडिएट मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट लेवल के पास ही आई है 14,850। तो ये फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट लेवल है मार्केट में 14,850, उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 14,800, उसके बाद 14,760 एंड जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो पहले इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो आज हमने ब्रेक किया, ऑलमोस्ट जहां हमने लो बनाया आज और जिसके बाद ये रैली देखने वाली, वो लेवल है 14,700 मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट अब मार्केट में 14,700 इमीडिएट। दोबारा सपोर्ट लेवल्स बता देता हूँ, 14,850 फर्स्ट लेवल है, उसके बाद 14,800, 14,760 एंड 14,700 ये सारे हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं। रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलेगी, 14,900 और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारा पोजिशनल लेवल भी वही है और इंट्राडे लेवल भी वही है, इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत, साइकोलॉजिकल लेवल भी है 15,000। 14,900 के बाद डायरेक्टली हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है 15,000। तो ये सारे हमारे कल के लिए लेवल्स होंगे। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हमने जान लिए, पोजिशनल लेवल्स की भी बात कर ली और इंट्राडे लेवल्स की भी, और ऐसे ही हमने निफ्टी में भी लेवल्स की बात कर ली। अपने चार्ट पे सिंपली सुपर ट्रेंड मार्क करके रखें और लेवल्स को मार्क करके रखें, आपको सेल्फ ट्रेड मिलेंगे मार्केट में। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार एंड वीडियो को जाते जाते लाइक भी कर देना, अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।